हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की तीन प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। पहले आप इसको प्रूव करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव नहीं हुआ है देख लीजिए। प्रॉपर्टी 1 को यूज करके इस तरीके से ब्रेक करेंगे। इस इंटीग्रल में x को माइनस t सब्स्टिट्यूट किया, अगर x इक्वल टू माइनस a है तो t हो जाएगा a, और अगर x 0 है तब भी t 0 रहेगा। सो दिस इंटीग्रल नाउ बिकम्स प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से, बिकॉज ऑफ दिस माइनस दीज लिमिट्स विल गेट इंटरचेंज्ड, और अब प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से मैं टी को एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले हमने एक्स को माइनस टी सब्स्टिट्यूट किया है और यहां पर अब मैं टी को x से रिप्लेस कर दूंगा। सो दिस एक्सप्रेशन नाउ बिकम्स दिस, लिमिट्स सेम है तो दोनों को साथ में लिख देंगे। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन याद है क्या होता है? ऑड फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स, इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके 2 स्पेशल केसेस हैं, और वो स्पेशल केसेस इतने अमेजिंग हैं कि कई बार बच्चे ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी ही भूल जाते हैं, उनको सिर्फ स्पेशल केसेस याद रहते हैं। आपको क्या याद रखना है? ये डेफिनेटली याद रखना है, और स्पेशल केसेस भी ध्यान रखने हैं, जो कि ये है भाई। अगर फंक्शन ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स बनेगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये रहा, तो मेन प्रॉपर्टी याद रखनी है, दोनों स्पेशल केसेस भी ध्यान रखने हैं। और ये प्रॉपर्टी कब यूज करनी है? जब भी लिमिट्स दिखेगी माइनस ए टू ए, एकदम सिंपल चीज है। और इसीलिए अब इस सिंपल क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। आंसर है 0, बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑड। डिनोमिनेटर इवन है, न्यूमरेटर ऑड है, ओवरऑल दिस बिकम्स ऑड, तो आंसर आ गया इसका 0। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? ही आंसर है 2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। एक्स रेज टू पावर 5 ऑड फंक्शन, 3x ऑड फंक्शन, 1 कांस्टेंट है मतलब इवन फंक्शन, कॉस स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन। तो जितनी भी चीजें ऑड है ना उनको अलग रख लेंगे, जितनी भी चीजें इवन है उनको अलग रख लेंगे। वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स sec square x। अब ये चीज ऑड है
क्योंकि न्यूमरेटर ऑड है और डिनोमिनेटर इवन है। माइनस ए से ए फॉर्मेट की लिमिट है तो इसकी वैल्यू तो हो गई शून्य। दिस विल बी टू टाइम्स जीरो टू ए, ए यहाँ पे पाई बाय फोर। जरूरी नहीं है कि ऐसा करो, डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते थे और लिमिट्स लगा सकते थे, बट चलो मेरे को प्रॉपर्टी को यूज करना था। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो ये वैल्यू आ गई 2। बस समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? 1। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। भाई ये फंक्शन जो है ये ना ही इवन है ना ही ऑड है, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है ना वो ये है, इवन और ऑड तो स्पेशल केसेस हैं भाई, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ना। ये हो गया एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैं लिखूंगा तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो ये एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। कॉस एक्स को बाहर कॉमन निकाल लिया, ई रेस टू पावर माइनस एक्स इज 1/e रेस टू पावर एक्स, ये बन गया 1। तो वी आर लेफ्ट विथ दिस, और इसकी वैल्यू आएगी 1। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है इसका? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों का नहीं आया है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? पाई। मैं एक्स की जगह एफ एक्स भी लिख सकता हूं, तो इस चीज को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। लिमिट्स माइनस ए टू ए है, फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, तो हम जो अपनी प्रॉपर्टी है ये यूज करेंगे। प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना है, इस वाले एक्सप्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर ये हो गया इस तरह से, एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये जो चीज लिखी हुई है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई। सो दिस इंटीग्रल नाउ बिकम्स प्लस 1 माइनस 1 करेंगे न्यूमरेटर में, सब चीजें स्टैंडर्ड बन जाएगी। मैंने इसको अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने के लिए माइनस को बाहर लिख दिया। ln 1/3 को मैं लिख सकता हूँ माइनस ln 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाय 2 कॉमन निकल गया, तो अंदर बचेगा ln 3 माइनस 1। ये अपना आंसर आ गया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा।
अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।